कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भरद्वाज जी महाराज की जय, श्री त्रिवेणी संगम की जय, बेड़ी माधव सरकार की अक्षय वट की सब संत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री अनंत पीठाधीश्वर जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी मिलकर के कि इस पुण्य काल में प्रयाग की इस धरा में संत महापुरुषों के सानिध्य में भगवान नाम का सभी लोग आश्रय लें। भाव के साथ सभी लोग गाएंगे ये जय जय हनुमान गोसाई निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जगदाधार जगदीश्वर जगन्नाथ प्राण जीवन धन सीता राघव सरकार प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का गायन करने वाले परिव्राजकाचार्य परमहंस अवधूत शिरोमणि व्यासनंदन श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए तथा प्रयाग की इस पावन धरा में उपस्थित सभी अमलात्मा विमलात्मा ऋषीश्वर मुनीश्वर सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में वंदन करते हुए तथा जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले रहे हैं, अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य बालकानंद गिरी जी महाराज तथा उनके समस्त शिष्य प्रशिष्यगण, यज्ञ के आचार्यगण, उपस्थित मंच में आचार्यवृंद तथा समस्त संतवृंद, भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, उपस्थित यजमान परिवार तथा भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग रखने वाले स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सबका कथा सत्र में अभिनंदन करते हुए आए। आज हम खष्टम दिवस की इस पावन श्रृंखला में प्रवेश करें। चले मनाह शरीर से, जहाँ पर कल हम लोग लीला का आनंद ले रहे थे। ये भागवती गंगा है। ये भगवान के संसार सिंधु से चलकर चरणार बिंदुओं तक पहुंचती है और हम सबका गंतव्य स्थान भगवान के चरणार बिंदु है। जीव मात्र के लिए एकमात्र यदि शरण है तो भगवान के चरण ही शरण है। तो इस मन को इस कथा रूपी गंगा में छोड़ दें। जैसे इस गंगा में आप कोई वस्तु छोड़ेंगे तो बहती बहती कहाँ पहुँचेगी? गंगा सागर, क्योंकि गंगा का गंतव्य स्थान है गंगा सागर। ऐसे ही इस कथा रूपी गंगा में जब हम मन को छोड़ेंगे तो इस कथा रूपी गंगा का गंतव्य स्थान है भगवान के चरणार बिंदु। तो ये मन धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा? भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में मन हमारा लग जाए, यही इस जीवन का फल है। तो आए मन से हम लोग चलें गिरिराज जी की तलहटी में, जहाँ कल सबने गिरिराज जी का पूजन किया। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में गिरिराज जी की बड़ी अद्भुत महिमा का बखान करते हैं। गंधमादन यात्रायां यत् फलं लभते नरः तस्मात् कोटिगुणं पुण्यं गिरिराज सुदर्शन। गंधमादन पर्वत की यात्रा करने का जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल केवल गिरिराज जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। जैसे कामदगिरि का दर्शन करते ही राम शैल शोभा निरख भरत हृदय गति प्रेम तापस तप फल पाई जिम सुखी सिरान ने। तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। और वो गिरिराज जी का दर्शन, पूजन, परिक्रमा, प्रणाम कहीं भागवत की कथा में हो जाए। उसकी महिमा गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितं विचित्रं नृणां महापापहरं पवित्रं। श्री कृष्णचंद्रस्य परम चरित्रम। गर्गाचार्य जी कहते गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवं च, गिरिराज जी का महोत्सव मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं कि नरम महापाप हरम पवित्रम। कथा के क्रम में गिरिराज जी के महोत्सव का दर्शन करके जो महापात की भी है वो भी पवित्र हो जाता है। और गिरिराज जी का सबने पूजन किया। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोष के गिरिराज को 7 दिन तक भगवान ने अपनी छोटी उंगली में धारण किया। इंद्र का मानव मर्दन किया, उस पर कृपा करी। इधर ब्रजवासियों के मन में कुछ संदेह हुआ। सब एक स्वर में नंद बाबा से कहने लगे, बाबा सच बताना, ये जो तेरो लाला है ना, ये तेरो लाला ना है, ये तो कोई भगवान है, ये तो कोई देवता है। क्योंकि 5 किलो का पत्थर तो उंगली में रखा नहीं जा सकता। 7 कोष के गिरिराज को 7 दिन तक छोटी उंगली में धारण किया। ये तेरो लाला ना है, ये तो कोई भगवान है। नंद बाबा ने कहा नहीं भैया, नहीं भैया, ये मेरो ही लाला है। या बात को प्रमाण है मेरे पास में। का प्रमाण है? गर्गाचार्य जी के हाथ के द्वारा जो निर्मित जन्म पत्रिका थी उसको लेकर के समाज में प्रस्तुत किया। गर्गाचार्य जी ने थोड़ा सा बचाव करते हुए सारी महिमा ईश्वर तत्व का निरूपण करते हुए और लास्ट में कह दिया नारायण समो गुणी। ये नारायण के समान इसमें गुण होंगे। नंद बाबा इस लाइन को पकड़ के बैठ गए। देखो भाई, मैं और कुछ ना जानूं, मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये नारायण नहीं है, परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा के समान गुण इसमें हो सकते हैं, पर लाला तो मेरो ही है। पंचायत टूट गई। सब लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इधर भगवान के जो बाल सखा थे भगवान के पास में आ गए। आंखों में आंसू भर आए। भगवान से कहते कन्हैया देख, तो हमको छोड़ के जाएगो तो ना है? कन्हैया तो हमें छोड़ के जाएगो तो ना है? देख कन्हैया तो हमें छोड़ के मत जाना। क्यों? अभी तक साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, दौड़ते थे, महिमा नहीं समझ पा रहे थे। जब भगवान ने 7 कोष के गिरिराज को धारण किया और स्वयं देवराज इंद्र जिसे ब्रजवासी मानते थे वो भी आकर के प्रार्थना करके परिक्रमा करके चला गया, तब ब्रजवासियों को लगा जरूर इसकी हमारी जो आपस का तालमेल है वो नहीं है। कहाँ हम एक गंवार ग्वारिया और कहाँ ये कन्हैया। जब अस्तर का पता चलता है तो मन में हो ही जाता है कि लगता है इनका हमारा कहाँ तालमेल बैठेगा। जब भगवान के सखाओं ने कहा तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने सखाओं को सांत्वना देते हुए और बड़ी अद्भुत बात कही। बोले सखाओं मित्रों मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रज तज घनत न जाई हो मोहे नंद बाबा किया। अरे भैया मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं बाबा नंद की सौगंध खा के कहता। इस प्रकार से भगवान ने सबको संतुष्ट किया। अगले अध्याय के क्रम में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एकादश्याम निराहार सम्मभ्यर्च जनार्दनम अस्नातुम नंदस्य कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी आ गई और नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। वो भी हमारे और आपके तरह नहीं करते थे। एकादश्याम निराहार कुछ भी नहीं लेते थे। बड़ा अद्भुत व्रत है एकादशी का। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन। जब ये 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री के साथ में मन भगवान के चरणों में समाहित हो जाए उस अवस्था का नाम है एकादशी। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। रात्रि में विश्राम किया। जब पेट में कुछ नहीं होता तो नींद भी नहीं आती। पेट जब भरा होता है तभी नींद आती है। निराहार व्रत था, नींद आ नहीं रही थी। नंद बाबा को ऐसा लगा कि सवेरा हो गया। रात्रि में 2-2:30 बजे अनुभव हुआ कि सवेरा हो गया, चलो स्नान करने चलता हूं। जमुना स्नान करने के लिए गए। जैसे जमुना में नंद बाबा ने डुबकी लगाई, छलांग लगाई, तो वरुण के देव सेवक जो जल के देवता हैं वरुण, उनके सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। ले जाकर के वरुण लोक में जेल खाने में डाल दिया, क्योंकि रात्रि में कूद कर स्नान करना, इससे वरुण देवता का अनादर होता है। तीर्थ में गए हैं, प्रयागराज आए हैं, ट्रेन पकड़नी है, रात्रि 9 बजे के बाद कूद के स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करना है तो गंगा मैया को चुन्नी, श्रृंगार, नारियल अर्पण करके किनारे बैठ करके लोटे से स्नान कर लें। कूद के नहीं नहाना चाहिए रात्रि में। इधर प्रातः काल की बेला होती है। बाबा नंद जब वापस नहीं होते, त्राही त्राही बजती है। खोजते खोजते जब पहुंचते हैं, बाबा का डंडा रखा है, कमंडल रखा है, गमछा रखा है, बाबा का पता नहीं। यशोदा मैया रोने लगती है। भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ दादा से कहा आप मैया को संभालो, मैं अभी आता हूँ। और भगवान ने एक छलांग लगाई, सीधे वरुण लोग पहुंच गए। जैसे वरुण ने देखा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आए हैं, सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान का पूजन किया। पूजन करके आने का प्रयोजन पूछा। नाथ आप मुझ सेवक को आदेश कर देते, मैं वहीं हाजिर हो जाता, आप क्यों आए? तब भगवान ने धीरे से कहा वरुण रात्रि में मेरे बाबा स्नान करने आए थे, सो वापस नहीं गए। ये बात सुनते ही वरुण के नीचे की जमीन खिसकने लगी कि लगता है रात्रि में जिसको पकड़ कर लाए थे वो कहीं नंद बाबा तो नहीं है, और यदि नंद बाबा होंगे तो आज मेरा डिमोशन हो जाएगा। और महाराज जेल में जाते हैं, देखते हैं तो नंद बाबा थे। नंद बाबा का छौर कर्म आदि कराया, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा मेरे सेवकों के द्वारा जो भी अपराध हुआ हो आप उसे मेरा अपराध मान करके मुझे क्षमा कर दो। आप कोई भी बात अपने बालक से मत कहना, अपने बेटे से मत कहना, क्योंकि आपका जो बेटा है ना वो हमारा बॉस है, हमारा मालिक है। वृत्तापराध सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। विभीषण जी महाराज जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था 100 कल्प तक राज करने का, समय समय पर विभीषण भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते जाते थे। त्रेता की चर्चा है। एक बार ऐसा हुआ कि विभीषण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए आए, अयोध्या से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद विभीषण को लगा चलो श्वेतद्वीप होकर के चलता हूं। रथ को मोड़ दिया और जब श्वेतद्वीप में पहुंचे तो श्वेतद्वीप में विभीषण के रथ के आगे एक गाय आ गई। गाय को ठोकर लगी, वो भगवत धाम को प्राप्त हो गई। और श्वेतद्वीप जहां पर धर्म ही सुनाई देता है, धर्म ही दिखाई देता है, जहां पर कहीं भी अधर्म नहीं दिखाई देता, वहां गौ हत्या प्राण दंड है। विभीषण के रथ के द्वारा जब ये अपराध हुआ, विभीषण को श्वेतद्वीप वासियों ने पकड़ लिया। पकड़ करके फांसी का फंदा निर्धारित हुआ। विभीषण से पूछा गया आप किसी से मिलना चाहते हो, अंतिम इच्छा क्या है? विभीषण ने कहा मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूं, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे वरदान दिया है 100 कल्प का, अभी तो 1 कल्प पूरा नहीं हुआ और फांसी का फंदा मेरे सामने है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को जब समाचार मिला, भगवान राम वहां पहुंचे और भगवान राघवेंद्र सरकार ने श्वेतद्वीप वासियों के सामने जो अपनी बात रखी महाराज, भगवान ने कहा अरे श्वेतद्वीप वासियों, विभीषण मेरा सेवक है, मैं विभीषण का स्वामी हूं, स्वामी हूं। और जानते हो वृत्तापराध सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते, वरम ममैव मरणम मदभक्ता हन्नते। मैं विभीषण का स्वामी हूं, विभीषण सेवक है और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए यदि ये फांसी देना है तो मुझे दे दो। मद भक्ता हन्नते कथम,